हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर सेक्शन 47 की। सेक्शन 47 जो है वो बात करता है कि जब भी आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज होती है तो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। तो जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाता है उसकी जो एक कॉपी होती है, वो कॉपी जो होती है वहाँ पर एक हमारा रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर कह लो या बुक कह लो, तो जो मैरिज सर्टिफिकेट बुक होती है उसके अंदर उसकी कॉपी रखी जाती है। अब अगर आपको कभी फ्यूचर में उसकी कोई कॉपी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये मैरिज हुई है ये नहीं हुई है, तो आप वहाँ पे जहाँ पे रजिस्टर रखा जाता है, कैसे HDFC के ऑफिस में होता है, वहाँ जाके आप उस बुक का इंस्पेक्शन कर सकते हो कि भाई ये मैरिज हुई है ये नहीं हुई है, और जो कॉपी है उसकी, उस कॉपी की एक सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हो रजिस्टर से इंस्पेक्शन करने के बाद। और जो ये रजिस्टर होता है वो एक रीजनेबल टाइम के लिए इंस्पेक्शन के लिए खुला होता है, उस टाइम में उसके इंस्पेक्शन करो और वहाँ से एक सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन लगानी होगी और एक प्रेस्क्राइब फीस होती है, वो फीस भी आपको पे करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा जो कॉपी लोगे वो एज एन एविडेंस आप कहीं पे भी लगा सकते हो, जो ये प्रूफ करेगा कि आपके बीच में वो मैरिज हुई थी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है।